हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए ये बेबी गर्ल ब्लूमर लेकर आई हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फैब्रिक को मैंने फोर फोल्ड करके रख लिया है और ये हाफ मीटर से भी कम फैब्रिक में बन जाएगी। ये बचा हुआ फैब्रिक है। तो विड्थ यहाँ पर मैंने फोर फोल्ड में 6.5 इंच ली है और लेंथ यहाँ पर मैंने 11 इंच रखी है। इसके बाद हम इसकी बेल्ट के लिए 1 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर से, ये बेल्ट हो जाएगी। इसके बाद हम ओपन साइड, ये हमारा ओपन साइड है, इधर खुले एरिया है, वहाँ से हम 4.5 पे एक मार्क कर देंगे। इसके बाद नीचे साइड से जिधर बंद एरिया है वहाँ से हम 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ से हम हल्की सी राउंड शेप देते हुए इस तरह से एक शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये हमारी ओपन साइड वाला एरिया होगा, इधर ध्यान रखिएगा। और जो बीच का एरिया है ये हमारा 9 इंच बैठ रहा है। तैयार होने पर 9 इंच हो जाएगी हमारी जो ब्लूमर है रेडी, जो लेंथ होगी इसकी। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे से हम 1/2 इंच छोड़ करके कटिंग करेंगे, जो कि हमारा सिलाई में जाना है। ऐसे ही हम 1/2 इंच इधर से भी हमने मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरह से। और ये आप आराम से 3 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगी ये ब्लूमर। तो देखिए इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद कटिंग हमारी हो चुकी है डबल। देखिए मैं आपको खोल करके दिखा देती हूँ उसको। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले नीचे से हमें जोड़ना है ये। तो सबसे पहले नीचे सिलाई लगा लेंगे इस पर। तो सिलाई हमें पक्की लगानी है, ये देखिए। इसके बाद इसको खोल करके सीधी साइड से भी हम एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि ये सिलाई ना निकले, पक्का हो जाएगा एक तरह से ये। इसके बाद हमें इसमें इलास्टिक डालनी है दोनों साइडों में, ये देखिए यहाँ पर। तो इसके लिए हमने इलास्टिक एक बार देख लीजिए, कन्फ्यूज़न ना हो कोई। तो ये साइड से तो दो इलास्टिक काटेंगे इसके लिए। 10 इंच की दो इलास्टिक ली हमने, पतले वाली इलास्टिक है जो 1/2 इंच से भी कम की आती है। तो इस तरह से रखेंगे इसको और डबल फोल्ड करके इसके अंदर इसको खींचते हुए पहले किनारे से पक्का सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इसको खींचना है इलास्टिक को, हमें ध्यान रखिएगा, इलास्टिक खींचते हुए लगानी है। तो बच्चे की जितनी भी आपकी थाई एरिया हो उसके हिसाब से आप बनाइएगा ये चीज़ ना, इलास्टिक उसी के हिसाब से हमें लेनी है, बच्चे के लिए ज़्यादा टाइट ना हो। तो इस तरह से देखिए खींचते हुए इसको इलास्टिक को इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने लगा दी है। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी लगा दूँगी यहाँ पर। तो देखिए हमने दोनों साइड में लगा लिया इलास्टिक। अब इसको इस तरह रखेंगे रॉन्ग साइड से और साइडों से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से हमने इसको जोड़ लेना है और एंड में पक्का ज़रूर करना है, ध्यान रखिएगा सिलाई ना निकले, ताकि। और देखिए इस तरह से ये हमारा सिलाई लग चुकी है। अब हमने फ्रिल के लिए 4 इंच लेंथ की और 25 इंच विड्थ की एक पट्टी ली है हमने और एक साइड से इसको हमने सिल लिया है। डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली थी। इसके बाद हम एक साइड से इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे, जहाँ पर हमें गैदरिंग करनी है, फ्रिल बनानी है इसकी हमें। तो देखिए हम धागा खींचेंगे और ये धागा हमने दोनों साइड से खींचते हैं हम इस धागे को, इधर से भी और दूसरी साइड से भी, ताकि जब हम अटैच करें इसको तो दोनों साइड जिधर भी आपको ज़रूरत पड़े उधर से आप इसको खींच सके। अब देखिए हमने इसके बराबर कर ली है अपनी ब्लूमर के बराबर इसको, और फिर इसमें साइड में जोड़ लगा देंगे। जो खुला हिस्सा था फ्रिल को हमने जोड़ दिया है। अब इस फ्रिल को हम सीधी साइड से रखेंगे और जो हमारी ब्लूमर है उसको भी हम सीधी साइड से रखेंगे और इस तरह से ब्लूमर के साथ में फ्रिल को अटैच कर लेंगे। सिलाई लगा लेनी है पहले हमने, लगभग हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है ऊपर की साइड से, देखिए जैसे आपको दिख रहा है।
और इसको इस तरह से एडजस्ट करते हुए सिलाई लगा लेनी है पूरे में हमें गोल करके इसको। तो देखिए हमने फ्रिल जो है इसमें अटैच कर ली है। इसके बाद हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पर इलास्टिक कट की है, 15 इंच की इलास्टिक ली है हमने यहाँ पर। और ये इलास्टिक भी सेम वही जो आधा इंच से कम वाली आती है वही इलास्टिक है। तो हम इसको ऐसे ही अटैच करेंगे इसमें जैसे हमने साइडों में अटैच की थी। इसको रखेंगे और ऊपर से हम इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी मोटा हो गया है तो हमने बारीक वाली इलास्टिक ही यहाँ पर अटैच करनी है। ध्यान रखिएगा इस तरह से खींचते हुए हम ये इलास्टिक अपने ब्लूमर में अटैच कर देंगे। और अगर आपको फ्रिल अटैच नहीं करनी है तो आप सिंपल जो बच्चों के लिए ब्लूमर आते हैं वो इसका बना सकते हैं इजीली। तो प्लीज़ गाइस ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो देखिए ये ब्लूमर बनकर एकदम से रेडी है। सो थैंक यू एवरीवन।